राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली के लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है और वहीं मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के आखिरी महीने तक 40 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच जाएगा। जी हां, लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। होली से पहले ही लगातार जो है तापमान बढ़ रहा था और रोजाना देखा जाए तो 35 से 36 डिग्री तक का जो तापमान है राजधानी दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र, सभी जगह पर जो है गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से जूझना पड़ा है। वहीं अब लोग दोपहर में सड़क पर निकलने से भी कतरा रहे हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं बेवजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। जिनको जो काम है उसी वजह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग अब सुबह और शाम को ही अपने काम के लिए घरों से निकल रहे हैं, अन्यथा दोपहर में लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है राजधानी दिल्ली का, और मौसम विभाग के जानकारों के माने तो अभी कुछ दिन तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं मार्च के महीने में मई और जून जैसी गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार हो रही इस गर्मी से लोग जहां बेहाल हैं, वहीं पक्षी भी जो है वो भी, पक्षी हो या पशु, सभी तरीके से जो लोग हैं वो भी बेहाल हो रहे हैं। लगातार जो है क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा के अभी शुरुआत दौर में है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके की गर्मी है उससे ये लग रहा है कि मई और जून में लोगों को 45 से 46 डिग्री तक के तापमान से जूझना पड़ेगा। जी हाँ, अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के 30 मार्च तक जो है मौसम जो है और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। जी हाँ, तापमान जो है 40 डिग्री तक पहुंचने के जो अनुमान है मौसम विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो दोपहर के वक्त खाली पड़ी हैं। जी हाँ, सड़कों पर इक्का दुक्का ही वाहन जो है चलते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है गर्मी का प्रकोप है और इसी वजह से जो लोग हैं वो अब घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से देख सकते हैं कि जो गर्मी है वो अपने चरम सीमा पर है और सूर्य देवता पूरी तरीके से, क्योंकि सुबह के वक्त ही देखा जाए तो जो सूर्योदय है वो हो जाता है, जिसकी वजह से दोपहर होते होते जो तापमान है वो 36 से 37 डिग्री तक हो जाता है और इसी वजह से जो चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना जो है दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। और सोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं।